अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हुकवर्म इन्फेस्टेशन, कि जिसमें हुकवर्म हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है और वहीं पे रहने लगता है और मल्टीप्लाई करता है अपने आप को और हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इसमें, डेफिनेशन, कॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका सोर्स ऑफ रिजर्वायर क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, क्लिनिकल फीचर्स, प्रिवेंशन, कंट्रोलिंग मेजर्स, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर एंड कॉम्प्लिकेशंस। हुकवर्म इन्फेस्टेशन, हुकवर्म डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एनसीनियासिस। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फेस्टेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली जेजनम वेयर दे अटैच देमसेल्व टू द विलोय। हुकवर्म को एनसीनियासिस भी कहा जाता है और ये क्रॉनिक इन्फेस्टेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेनली जेजनम में, वहाँ पर जाइए विलाय से अटैच हो जाते हैं। कॉजिटिव एजेंट क्या है, एनसिलोस्टोमा ड्यूडिनेट नेकेटर। सोर्स ऑफ रिजर्वाइव क्या है, आल एजेस पे होता है, स्पेशली 5 to 40 ईयर्स ग्रुप अफेक्टेड ज़्यादा करता है। द हाइएस्ट इंसिडेंस इज़ फाउंड इन द रेंज ऑफ ग्रुप 15 to 25 ईयर्स, से हाइएस्ट इंसिडेंस रेट मौजूद है। फीमेल सफ़र मोर देन मेल, फीमेल ज़्यादा सफ़र करती हैं एज मेल। सॉयल इन्फेक्टेड विद हुक वर्म लार्वा, अगर सॉयल इन्फेक्टेड होता है हुक वर्म के लार्वा से, लार्वा को आप इस तरह ले सकते हैं कि जिस तरह बटरफ्लाई का केटर पिलर होता है, इसी तरह होकवॉम का लार्वा होता है, वो उसे फिर चेंज होके होकवॉम बन जाता है लार्वा से। एनवायरनमेंट से ये होता है, रेनफॉल वगैरह अगर ज़्यादा हो जाए, इससे ये डिस्पोजल सिस्टम अगर सही नहीं है तो उनसे हो सकता है। इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, आफ्टर एंट्री ऑफ इन्फेक्शन 6 वीक्स आर रिक्वायर्ड टू फीसेस टू हैव ओवा और एग्स इन इट, 6 weeks to 74 days. सिम्टम्स में अपेयर आफ्टर फ्यू वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इन्फेक्शन। से आफ्टर इंक्यूबेशन के 6 weeks लग जाते हैं या 6 weeks to 74 weeks, कभी वीक्स लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं, उसकी इंटेंसिटी पे देखा जाता है कि वो इन्फेक्शन किस टाइप का हुआ है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, डर्माटाइटस के जिसमें इरिटेशन हो जाती है, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, पेन इन एब्डोमेन, एडिमा ऑफ लेग्स हो जाता है, एनिमा, पेलर बॉडी हो जाती है, फीवर, लो बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। पीपल शुड हैव हैबिट ऑफ वेयरिंग शूज़, हैबिट बना लें कि जूते पहनने आपने, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट लेटरीन्स, साफ सुथरे लेटरीन्स रखते हैं आपने, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड बी वॉश्ड, है कुछ भी वेजिटेबल या फल या फ्रूट खाने से पहले उसको अच्छी तरह धो के खाएं। कंट्रोलिंग मेजर्स क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेस्टेशन में भी आइसोलेटेड, प्रॉपर डिस्पोज ऑफ फीसेस टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ सोयल एंड वाटर, से प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, सेवरेज सिस्टम होना चाहिए ताकि ये निज़ाम साफ़ सुथरा रहेगा डिस्पोजल सिस्टम का, तो इसके कंट्रोलिंग मेजर्स में बहुत फ़र्क आएगा। श्योरली मस्ट बी डन, सर्वे मस्ट बी डन टू फाइंड आउट अनरिपोर्टेड केसेस, सर्वे करना चाहिए ताकि अनरिपोर्टेड केसेस का पता चले और उसकी कितनी तादाद है, उसकी कितनी शरह है और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की किस तरह वो सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की किस तरह वो फैलता है। फॉलो प्रिवेंटिव मेजर्स। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मेबेंडाजोल, पैरेंटल पेमोइट आर प्रिस्क्राइब फॉर हुकवर्म इन्फेक्शन। नर्सिंग केयर क्या होगी, ऑब्जर्व फूड फॉर इरिटेशन एंड प्रूराइटस, अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन, प्रूराइटस से हमें से ई चीज़ स्किन हो जाती है। टेक हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रोट एंड कफ विद ब्लडी स्प्यूटम, पेशेंट की आपने हिस्ट्री लेनी है कि स्प्यूटम के साथ उसका जो ब्लड आ रहा है, पा रहा है कि नहीं आ रहा है। गिव आयरन रिच डाइट एंड आयरन सप्लीमेंट्स डेली टू प्रिवेंट करेक्ट एनीमिया, से पेशेंट को आपने आयरन रिच डाइट देनी है, ऐसे सप्लीमेंट्स देने हैं ताकि उसको एनीमिया से प्रिवेंट किया जा सके या उसको एनीमिया को इलाज किया जा सके उसका। एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली अबाउट वेयरिंग शूज़, आपने एजुकेट करना है पेशेंट उसकी फैमिली को कि आपने हर वक्त खुद भी जूते पहनने हैं, बच्चों को भी शूज़ पहनाने हैं, और ये इसे प्रिवेंटिव मेजर का आसान तरीका है। एजुकेट पेशेंट्स अबाउट द स्प्रेड डेंजर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, एजुकेट करना है कि किस तरह ये फैलता है और ये डेंजरस किस तरह से है और इसकी प्रिवेंशन किस तरह आप लोग कर सकते हैं। एडमिनिस्टर एथेलमेंटिक्स, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड।
कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया, एनीमिया, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इज़ रिटार्डेड, और ये बच्चे की मेंटल हेल्थ पर और फिजिकल डेवलपमेंट पे भी अफेक्ट करता है, उसको स्लो कर देता है. थैंक यू, होप यू लाइक इट.